नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में मेरा नाम है आदित्य धनराज दोस्तों इस सेशन में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अग्निवीर चाहे आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या नेवी का एग्ज़ाम हो हम लोग मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको पूरा का पूरा आइडिया मिलेगा कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही नहीं दिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही क्लोज़ हैं जो आपके एग्जाम्स में आने लायक हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे हम लोग बहुत सारे मॉडल पेपर करेंगे. तो आज हम लोग पहला मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे तो हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एयरफोर्स में हालांकि नेवी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन मैं आपको लगभग ट्वेंटी फाइव इस मॉडल पेपर में दूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसा कि स्क्रीन पर देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया गया है पहला क्वेश्चन क्या है जैसे फिलिंदा ब्लैंक्स या हर तरीके की वो कैब या हर तरीके के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें डाले हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है स्पेस दिया गया है आई यूज़ योर सेल फोन एज़ आई हैव फॉरगेटिन माइंड तो उसने पूछा है कि क्या मैं आपका सेल फोन यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपना फ़ोन भूल आया हूँ तो जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं परमिशन मांगने के लिए जैसे कि मे शुड वुड या आपका जो चौथा ऑप्शन है वो डू दिया गया तो आपका आंसर होगा आपका ए वाला मे आई यूज़ योर सेल फोन एज आई हैव फॉर गट इन माइंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है दिया गया है सुषमा स्पेस दिया बेला इफ सी कु हर स्कूटी अब देखिये यहाँ पर आपका जो कनेक्टर है वो है आपका इफ़ इफ़ जो कनेक्टर है आप देखे होंगे जब डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इफ़ वेदर या डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स जो है वो किन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं जो इंटेरोगेटिव होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सेट टू को आस्क में चेंज करते हैं तो इस जगह पर जहां पर आपका ब्लैंक है वहां पर आस्क् आंसर आएगा तो आपका आंसर होगा डी वाला तो सुषमा आस्क्ड बेला इफ़ सी कुड टेक हर स्कूटी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप पूरा वीडियो देखें और हो सके तो इसको दो बार भी दे सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आने वाले हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड दिया गया है वी और उसके बाद में स्पेस दिया गया है आर होमवर्क जस्ट देन सबसे पहले तो देखो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं एक तो जस्ट दिया गया जस्ट का यूज़ हम लोग परफेक्ट सेंटेंस में करते हैं और देन जो है वो पास्ट को दर्शाएगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं नाव जो शब्द होता है नाव का एक पास्ट होता है देन तो अब आपको समझ में आया कि जस्ट डिनोट कर रहा है परफेक्ट को और देन डिनोट कर रहा है पास्ट को तो हो गया पूरा पास्ट का परफेक्ट और पास्ट के परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है जबकि देखिए ए वाले ऑप्शन में आर दिया गया बी वाले ऑप्शन में हैप दिया गया सी वाले और डी वाले ऑप्शन में आर दिया गया है ये समझ पा रहे हैं ना <coughs> तो आंसर आपका सी वाला होगा हेड फिनिस्ड तो आपके ये तीन क्वेश्चन हो गए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखेंगे दिया गया है आपका देयर स्पेस दिया गया है अ चाइल्ड एंड हर मदर ऑन द प्ले ग्राउंड एस्टडे सबसे पहले तो देखो कि टाइम देख लो कि स्टडी दिया गया एस्टडी डिनोट करता है पास्ट को अब ऑप्शन में देखिए आर दिया गया है वर दिया गया है हैड बीन दिया गया है और वॉस दिया गया है अब देयर अपने लिए कभी भी वर्ब नहीं लेता उसके आगे कॉम्प्लीमेंट आम आ चाइल्ड एंड हर मदर बच्चा और उसकी माँ दो हो गए वेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई एंड द वर्ब मस्ट बी यूज प्लूरल अब प्लूरल वर्ब तो यूज करेंगे लेकिन सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट का होना चाहिए तो पास्ट का प्लूरल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में दिया गया है वर देयर वर आ चाइल्ड एंड हर मदर ऑन द प्ले ग्राउंड एस्टरडे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो दिया गया है फाइंड द ओड वन आउट ऐसा क्वेश्चन ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है मेमोरी बेस्ड है कि इसमें से ओड वन आउट कौन सा है मतलब कि अनलाइक कौन सा है विषम पद कौन सा है इनमें से तो चार वर्ड दिए गए हैं पहला जो शब्द है वो पेडागॉग है दूसरा शब्द जो है वो सेनागॉग है तीसरा जो शब्द है वो इपीलॉग है और चौथा जो शब्द है वो आपका इंटरलॉग है तो इन चार शब्दों को देखने के बाद आपको ये पता करना है कि इसमें से अलग कौन सा है देखिए जो पहला ऑप्शन पेडागॉग है ये टीचिंग से संबंधित है जो टीचर होता है जो बच्चों का टीचर होता है उसको पेडागॉग बोलते हैं सेनोगॉग जो है जो ज्यूस होते हैं यहूदी धर्म के लोग उनके पूजा का स्थल होता है और इपीलॉग होता है उपसंहार जैसे कोई ए वगैरह हम लोग लिखते हैं तो उसका जो क्लाइमेक्स होता है वो इपीलॉग होता है और इंटरलॉग होता है किसी भी चीज़ का मध्यांतर मतलब इंटरमिशन मतलब इंटरवल तो आप देखेंगे ए सी और डी वाला जो ऑप्शन है वो शिक्षा से संबंधित पढ़ाई लिखाई से संबंधित है जबकि सेनागॉक जो है वो एक मंदिर होता है किन लोगों का यहूदी धर्म से संबंधित लोगों का मंदिर या पूजा का स्थल सेना कहलाता है इसलिए आंसर आपका बी ऑड है मतलब एकदम अलग है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं लिखा गया है नेक्स्ट वीक सी इज़ गोइंग टू सूरत विद आ व्यू देखिए एक कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे अडिक्टेड टू प्रोन टू टेकन टू उसी तरीके से एक एक्सप्रेशन होता है विद आ विद आ व्यू टू और टू के होते हुए भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ किया जाता है तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो टू होते हुए भी आई वाले फॉर्म्स लेते हैं इसको इनडायरेक्ट जीरेंट बोलते हैं तो विद आ व्यू टू के बाद में आई वाला फॉर्म आप देखें एक तो टू ढूंढना है और उसके बाद में आई वाला फॉर्म भी ढूंढना है तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है उसमें सही है नेक्स्ट वीक सी इज गोइंग टू सूरत विद आ व्यू टू अटेंडिंग आ सेमिनार चलिए अभी हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा है फाइंड द एरर पार्ट ये जो कॉमन एरर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं लिखा गया है अलॉन्ग द रोड एलोंग द रोड सिट्स हिडन एमोंग द Bushes बुशस माने झाड़ियाँ होती हैं टू न्यू बॉर्न पपीज़ अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है वो आपका इन्वर्जन का स्टाइल है यहाँ पर इन्वर्जन के स्टाइल में सब्जेक्ट सबसे लास्ट में दिया गया है टू न्यू बॉर्न बेबीज जब दो हो गए हैं तो प्लूरल होगा इसका जो वर्ब दिया गया है वो सिट्स दिया गया है जो कि सिंगुलर है अगर प्लूरल वर्ब लिखा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा आपका सिट लिखा जाएगा क्योंकि प्लूरल वर्ब में यस और यस नहीं यूज़ किया जाता है तो ये इन्वर्जन स्टाइल का सेंटेंस है आप उल्टा पढ़िए इस सेंटेंस को टू न्यू बॉर्न पपीज सिट्स हिडन एमॉन्ग द बुसेस एलोंग द रोड ये इन्वर्जन था इस वजह से वर्ब का एरर है इसमें तो बी पार्ट है आपका एरर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट दिया गया है क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो रेगुलर नहीं एकदम अच्छी तरीके के क्वेश्चन जैसे आया करते हैं वैसे ही मैंने आपके लिए कंटेंट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा आपको लिखा गया क्वेश्चन नंबर आठ में ही हैज़ किल्ड हिज ऑन वाइफ उसने अपनी वाइफ को किल कर दिया ही इज इन जेल वो जेल में है बिकॉज ऑफ अ बिकॉज ऑफ़ ल्यूपीसाइड सॉरी वाइफ्स डेथ बी वाला ऑप्शन ल्यूपिसाइड है सी वाला ऑप्शन एक्जोरी साइड है और डी वाला ऑप्शन जो दिया है वैक्सी साइड अब आप जानते हैं वनवर सब्टीट्यूशन का ये क्वेश्चन है लेकिन उसने घुमा के पूछा है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म्स में जो भी व्यक्ति अपनी वाइफ की हत्या कर देता है वाइफ की हत्या को एग्जोरी साइड बोलते हैं क्या बोलते हैं जो सी वाला ऑप्शन है वो अगजोरी साइट होता है इसलिए आंसर आपका सी होगा कि ही हैज़ किल्ड हिज ऑन वाइफ ही इज़ इन जेल बिकॉज ऑफ एक्जोरी साइट वाइफ से डेथ नहीं होना चाहिए देखो वाइफ़ में एपोस्टॉफी यश yes लगाते कैसे लिखते हैं हम लोग वाइफ लिखते फिर अपोस्टॉफी यश yes लगाते और उसके बाद में डेथ लिखा जाता तब ऑप्शन सही होता जो कि ऑप्शन पहला गलत है इसलिए किस में जाएगा अक्ज़ोरी साइड में क्वेश्चन नंबर नाइन जो दिया गया है आ मॉस्किटोज यंग वंस लिखा गया है मॉस्किटोज मॉस्कीटोज ऐसे पॉजिटिवी का साइन होना चाहिए था कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभार अब यंग वन मॉस्कीटो का जो यंग वन मतलब उसका छोटा बच्चा या उसका बेबी जैसे कि ह्यूमन का बेबी बेबी होता है जैसे डॉग का पपी होता है वैसे ही मॉस्कीटो का जो यंग वन होता है वो उसको क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन टम्बलर दिया है तीस, दूसरा ऑप्शन निम्फ दिया है तीसरा टैडबोल है और डी वाला है कैटरपिलर कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई का होता है टैड पोल जो है वो फ्रॉग का होता है निम्फ जो है वो कॉकरोच का होता है आंसर आपका ए वाला होगा टम्बलर मॉस्किटो के यंग वंस को टम्बलर कहा जाता है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर लिखा गया फाइंड द ऑड वन आउट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑड वन आउट का मतलब है कि इसमें से भिन्न कौन सा है अलग कौन सा है ऑप्शंस में दिया गया है ए फिस बी वाला ऑप्शन डियर दिया गया है सी वाला ऑप्शन ऑफ स्प्रिंग दिया गया और डी वाला ऑप्शन सिप दिया गया अब देखोगे तो फिस एक शब्द जो होता है डियर जो शब्द होता है और जो आपका ऑफ स्प्रिंग शब्द होता है ये जीरो एलिमेंट में आते हैं मतलब इन तीनों शब्दों का सिंगुलर और प्लूरल हमेशा यही रहता है चाहे वो सिंगुलर में यूज़ किया जाए या प्लूरल में यूज़ किया जाए जबकि जो सिप है पानी का जो जहाज है वो जो है आपका अलग है उसका प्लूरल बनाया जा सकता है सिप्स बनता है प्लूरल जबकि ए बी और सी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल वही रहते हैं इसलिए आंसर आपका हो गया डी वाला चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है सम पीपल ऑलवेज डिटेस्ट जो डिटेस्ट है उसका मतलब होता है घृणा करना अब डिटेस्ट के बाद में हमेशा डायरेक्ट जी का यूज़ किया जाता है डायरेक्ट जी का मतलब होता है आई जी वाला फॉर्म और वो भी बिना प्रीपोजिशन के तो देखेंगे आपका ऑप्शन दिया गया है ए वाला इन डीलिंग बी वाला दिया गया है डीलिंग और सी वाला दिया गया है टू डील और उसके बाद में डी वाला दिया है टू बी डेल्ट तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सिंपल है आपका ऑप्शन होगा बी वाला डिटेस्ट ये जैसे आई हेट स्मोकिंग ऐसा हेड स्मोकिंग सीधे लगाया जाता है आन वाला फॉर्म वैसे ही डिटेस्ट होगा डिटेस्ट के तुरंत बाद आई वाला फॉर्म लगाया जाएगा डायरेक्ट जीरण जिसको बोलते हैं तो आंसर आपका बी वाला होगा ओके नेक्स्ट गैस ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखते हैं ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन वन वर्ड सबूशन का है कह रहा है एन अकम्प्लिस्ड म्यूजिशियन एक ऐसा म्यूजिशियन जो कैसा हो अकम्प्लिस्ड अकम्पलिस्ड मतलब मंझा हुआ एकदम एक्सपीरियंस्ड जिसको बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है टायरो वो टायरो का मतलब नौसिकिया होता है कोरियोग्राफर जो होता है वो डांस सिखाता है और नियोफाइट फाइट माने भी होता है आपका नोसिकिया इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी वाला होगा क्या वर्चुआसो वर्चुआसो का मतलब होता है अ म्यूजिशियन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस या जिसको मेस्ट्रो भी बोल सकते हैं अगर यहाँ पर वर्चुआसो ऑप्शन ना होता तो मेस्ट्रो ऑप्शन हम टिक कर सकते थे क्वेश्चन नंबर थर्टीन दिया गया है दिया गया है दिस इज़ द ओनली होटल स्पेस दिया वाज बिल्ड बाय द जैपनीज तो यहाँ पर जो होटल वर्ड दिया गया है ये एक थिंग्स है और थिंग्स के लिए देखा जाए अगर हम सी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो हु दिया गया डी वाले ऑप्शन में होम दिया गया जो कि पर्सन के लिए आता है अब हमारे पास ऑप्शन बच्चे ए और बी होटल एक चीज़ है चीज़ों के लिए विच आता है लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में इस होटल को क्वालिफाई किया गया है द ओनली के द्वारा तो जब भी किसी भी नाउन को द ओनली के द्वारा फाई किया जाता है तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी डब्ल्यू एच टाइप नहीं रहता सिर्फ क्या होता है दैट होता है इसलिए आंसर जो होगा आपका बी वाला आंसर होगा क्या दैट समझ पा रहे हैं ध्यान रखना जल्दबाजी मत करना कि विच का यूज कर दो चीजों को देख के लेकिन द ओनली जब यूज किया जाता है तो फिर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड यूज नहीं करते दैट का इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज द ओनली होटल दैट वॉज बिल्ड बाय द जैपनीज आंसर ये होना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फोर्टीन दिया गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कह रहा है रॉन्ग स्पेलिंग बताना है आपको फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं जैसे पहले ऑप्शन में मिसाइल दिया गया दूसरा ऑप्शन ब्यूरोक्रेसी तीसरा ऑप्शन कैसेट और चौथा ऑप्शन शॉफर तो पहले ऑप्शन में जो मिसाइल का स्पेलिंग एम आई डबल एस आई अली -E, सही होता है बी वाला जो ऑप्शन है वो ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग दिया गया है तो ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि उसका स्पेलिंग बी यू आर ई ए यू होता है ब्यूरो और बाकी का आपका कृषि शब्द यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए तो आंसर आपका बी वाला होगा क्योंकि ब्यूरो क्रेशी का स्पेलिंग ये दिया गया है बी यू आर ई ए यू जबकि उसमें यू ए लिया गया। तो इसलिए बी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दिया गया है देखेंगे ध्यान से The scientific study of the human mind and behavior is called. जो साइंटिफिक स्टडी है किसकी ह्यूमन बीइंग की और उसके माइंड का बिहेवियर क्या है या बिहेवियर का स्टडी जो हम लोग करते हैं तो जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है आज जानते हैं एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिषी होता है उसको बोलते हैं ज्योतिष विद्या न्यूरोलॉजी आप न्यूरो सर्जन जो होते हैं साइकियाट्री और साइकोलॉजी दिया गया साइकियाट्री मनोचिकित्सक होता है जिसमें दवाइयों से किसी भी चीज़ को सही किया जाता है जबकि बातों से या उसके ह्यूमन बिहेवियर से जब हम उसको पहचानते हैं तो वो साइकोलॉजी

वैलेंट और डॉन्टलेस ये जो तीन शब्द हैं गैलेंट और वैलेंट और डॉन्टलेस ये तीनों ही सनोनेम्स हैं एक दूसरे के मतलब बहादुर जो बोल्ड होता है ब्रेव होता है उसके लिए सैनोनेम्स होते हैं जबकि सिनेस्टर जो वर्ड है दिया गया है यहाँ पर डी वाला ही आंसर सही होगा क्योंकि यही एकदम अलग है सिनेस्टर का मतलब पापी होता है सिन माने होता है पाप सिनेस्टर माने पापी या एक ऐसा व्यक्ति जो अशुभ हो हमेशा जिससे जिसको कहीं प्रेजेंस होने पर लोगों को उसको कंसिडर किया जाए कि ये बुरा व्यक्ति है तो उसको सिनिस्टर बोलते हैं इसलिए आंसर आपका डी वाला होगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कह रहा है आई थिंक दैट साइन मीन्स में शायद ये जो साइन है इसका मतलब क्या है वी स्पेस दिया है एंटर द बिल्डिंग लुक देयर इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड टू उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये साइन ये दर्शाता है कि इस बिल्डिंग में हम लोग एंटर नहीं कर सकते और देखो कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है मतलब अलाउड नहीं है तो जब कोई साइन या कोई एलिगेशन या कोई रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं उसके लिए हम हम हमेशा कंपलसन का यूज़ करते हैं और कंपलसन में हमेशा हम मस्ट हम का यूज़ करते हैं इसलिए आंसर जो होगा आपका ए वाला होगा आई थिंक दैट साइन मीन्स वी मसेंट या मस्ट नॉट एंटर द बिल्डिंग लुक देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड टू क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है ध्यान दें पहले से स्पेस दिया गया अ वंडरफुल पिक्चर इट इज तो आप जानते हैं ये जो सेंटेंस होते हैं जैसे हम कभी कभार बोलते हैं ना जब हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल ऐसा इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या यूज करेंगे व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर इज इट तो एटीन का आंसर हो गया बी वाला क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में देखते हैं लिखा गया है डोंट च्यू टोबैको तो अब देखिए इस वाले सेंटेंस को पढ़ने के लिए क्वेश्चन टैग बताना है आपको तो क्वेश्चन टैग के ऑप्शन दिए गए हैं विल यू शैल यू डू यू और वॉन्ट यू यहाँ पर ये डोंट च्यू टूबैको के हिसाब से डू मत ले लेना ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है इम्प्रेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है विल या शैल का तो अब देखना ध्यान से और क्वेश्चन ये जो इम्प्रेटिव सेंटेंस है हमेशा सेकेंड पर्सन को बोला जाता हो तो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है यू और यू के साथ लगता है क्या विल लेकिन सेंटेंस पहले से ही निगेटिव है तो क्वेश्चन टक बनेगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव के लिए विल होगा और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका यू तो आंसर आपका हो जाएगा क्या ए डोंट श्यू टू विल यू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दिया गया है ट्वेंटी नंबर में एक ई दिया गया है किक द बकेट मीन्स किक द बकेट एक ई से जिसका मतलब होता है बताइए फेलियर दिया गया है टू डाई दिया गया है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या टू डू समथिंग डिलिबरेटली तो किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना तो आंसर आपका होगा बी वाला टू डाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप इसको एक बार या दो बार देखें और समझें कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ओके क्वेश्चन नंबर हम 21 पे पहुंचते पहुँचते हैं 21 जो दिया गया क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन कह रहा है सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल का आपको सुपरलेटिव डिग्री बताना है जैसे कि गुड बेटर बेस्ट होता है स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट होता है तो इम्पॉसिबल का सुपरलेटिव क्या होगा जैसे मोस्ट इम्पॉसिबल या मोर इम्पॉसिबल तो देखो यहाँ पर इम्पॉसिबल एक ऑब्सल्यूट डिग्री है और ऑब्सिलूट जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाए जाते वो तीनों फॉर्म में एक ही रहते हैं इस वजह से इम्पॉसिबल का कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता वो अपने ही अपने आप में सुपरलेटिव होता है इसलिए आंसर आपका डी वाला होगा यहाँ पर मोस्ट या मोर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑब्सिल्यूट वर्ड होते हैं ऑबसेल्यूट वर्ड के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नेवी और एयरफोर्स में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू दिया गया है इसमें गौश एक शब्द दिया गया है देख रहे हैं आप सामने गौश इसको गौश पढ़ते हैं जी ए यू सी एच ई तो गौश का मतलब होता है बेहुदा बहुत भद्दा तो बेहुदा या भद्दे के सिनोनिम्स की बात करेंगे तो औश्रम तो उसका उल्टा हो गया कवर्ड एक अलग ही वर्ड है इसका आकवर्ड और निगाड का मतलब होता है चौथे का जो व्यक्ति कंजूस होता है इसलिए आकवर्ड का भी मतलब वही होता है बेहुदा या भद्दा तो आंसर आपका सी होगा गौस का जो सिनोनिम है वो आकवर्ड होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दिया गया है कह रहा है चेंज द वॉइस अब देखिए चेंज द वॉइस का मतलब ये है कि सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाओ और पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस बनाओ सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं जो दिया गया है आइडियाज़ आर जनरेटेड बाय ग्रुप डिस्कशंस तो यहाँ पर देखो दिया गया है आर और आर के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है तो ये जो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर दिया तो ये पैसिव वॉइस है ये प्रेजेंट के इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है तो आपको जो वापस ले जाना है वो आपको एक्टिव एक्टिवाइज में जाना पड़ेगा तो एक्टिव एक्टिवाइज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलेगा क्योंकि इजम आर पैसिव पैसीवाइज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही होके आता है तो ऑप्शन ए देखें ग्रुप डिस्कशन हैव जनरेटेड ये हैव में चला गया परफेक्ट हो गया जो कि नहीं होगा इसलिए ऑप्शन काट दीजिए इलिमिनेट करिए ग्रुप डिस्कशन जनरेट्स आइडियाज अभी देखेंगे ग्रुप डिस्कश जनरेटेड आइडियाज तो यहाँ पर आर जनरेटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो ये भी नहीं होगा ग्रुप डिस्कशन जनरेट आइडियाज़ अब देखो ग्रुप डिस्कशंस दिया गया जो कि प्लूरल शब्द है और प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल आएगा जबकि यहाँ बी वाले ऑप्शन में जनरेट्स दिया गया तो बी बी नहीं होगा ए में हैव है और आपका डी जो है आपका आंसर सही होगा क्योंकि सी वाले में पास्ट दिया गया है तो जो आंसर एलिमिनेट करके करोगे तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता सबसे पहले देखा कि आर के साथ थर्ड फॉर्म दिया है तो प्रेजेंट के इंडिफिनेट का ये पैसिवाइज होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस में जा सकते हैं या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकिन ग्रुप डिस्कशन प्लूरल था तो इसलिए सिर्फ जनरेट होना चाहिए यस और यस नहीं होना चाहिए अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दिया गया है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन दिया गया साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसने कहा कि माय वाइफ इज़ अ गुड कुक मेरी वाइफ एक अच्छी कुक है अब वो कह रहा है कि आई एम एग्री विद यू कोई दूसरा व्यक्ति है जो जवाब दे रहा है इसके आंस जवाब के आंसर्स मतलब आंसर्स जो है उसका सही आंसर क्या है आई एम एग्री विद यू आई एग्री विद यू आई एम एग्री विद आई एम एग्री टू यू और आई एग्री टू यू अब देखिए एग्री जो है एक वर्ब होता है क्या होता है वर्ब होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधे लगाना चाहिए आई के बाद जबकि पहले वाले ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आई एम एग्री लिखा गया एडजेक्टिव नहीं होता है और सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा आई एम एग्री टू यू लिखा गया और जब किसी पर्सन से आप एग्री करते हो तो एग्री के साथ विद का यूज़ किया जाता है ना कि टू का यूज़ किया जाता है इसलिए आंसर आपका बी वाला होगा आई एग्री विद यू अब आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है जो कि नरेशन का क्वेश्चन है देखिए ध्यान से नरेशन का क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए चेंज द स्पीच बोल रहा है स्पीच का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पहले तो पहचानो आप लिखा मैरी सेट टू सिमोन तो मैरी सेट टू सिमोन ये डायरेक्ट है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग टाइम एंड टेंस दोनों चेंज करते हैं ध्यान रखें तो लिखा सेट टू को तो हम टोल्ड में चेंज करें देखिए चारों ऑप्शन में टोल्ड दिख रहा है कनेक्टर क्या है आपके दैट सभी जगह हैं और शरण एंड पीटर के बाद में लिखा गया आर गेटिंग एंगेज नेक्स्ट मंथ तो आर है ये प्रेजेंट का है प्रेजेंट का पास्ट के कंटिन्यूस में जाएगा अब पास्ट का कंटिन्यूस देख लीजिए अब देखिए बी वाला ऑप्शन देखें ध्यान से यहां पर आर गेटिंग सेम वही दे दिया गलत हो जाएगा बिल भी दे दिया ये भी गलत हो जाएगा आंसर ए बचा से सरन एंड पीटर वर गेटिंग लिखा गया है और ये वॉज गेटिंग लिखा गया जबकि सरन और पीटर दो लोग हैं तो सिंगुलर नहीं होना चाहिए डी बी ऑप्शन गलत हो गया आंसर आपका हो गया ए वाला मेरी टोल्ड सिमोन दैट सरन एंड पीटर वर गेटिंग इंगेज नेक्स्ट मंथ समझ पा रहे हैं ना तो ये आपका 25 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर हो गया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों आप इसको आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको एक बार और देखना है तो आप एक बार और दे सकते हैं रिमाइंड कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दूसरे मॉडल पेपर में और मॉडल पेपर ये ऐसे ही नहीं है बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं आप इनको लगातार ऑब्जर्व करें और मैंने दो तीन वीडियोस और भी मैं बना चुका हूं इससे पहले अग्निवीर के लिए और जो आप अग्निवीर की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आराम से सारे के सारे देख सकते हैं कुछ पुराने वीडियोज़ भी पड़े हैं जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प सॉरी हेल्प मिलेगी तो ठीक है दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में